और कल हो सकती है बूंदाबांदी, ठंड से भी मिल सकती है राहत। ब्रेकिंग न्यूज में मैं हूं रीनू और सबसे पहले बिग ब्रेकिंग में बात दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बड़ा हादसा। कालकाजी मंदिर में स्टेज गिरने से हादसा हुआ, मंच गिरने से 17 लोग घायल हो गए। मंच गिरने से एक महिला की मौत की भी खबर मिल रही है। तो दिल्ली से ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर एक महिला हादसे का शिकार हो गई। दरअसल कालकाजी मंदिर में स्टेज गिर गया और इसकी वजह से, मंच गिरने की वजह से 17 लोग घायल हो गए। मंच गिरने से एक महिला की भी मौत की जानकारी मिल रही है। अभी तस्वीर पहले आप देखिए, वीडियो भी सामने आया है जहां दिल्ली के कालकाजी मंदिर में स्टेज में कई लोग मौजूद थे और अचानक से स्टेज गिर जाता है। 17 लोग जख्मी बताए गए हैं, एक महिला की मौत की भी खबर मिली है। तो कहां पर लापरवाही हुई है जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हादसा हुआ और स्टेज गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे और आप देखेंगे कि जब स्टेज गिरा उस दौरान हलचल हो गई, भगदड़ से मच गई, लोग परेशान हो गए। दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ और अपनी, जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में, आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, ये हादसा कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई? जो है मंच को बनाने को लेकर हुई थी और हद से ज्यादा लोग उस मंच पे बैठ गए थे, इस वजह से लापरवाही हुई है। और तकरीबन पूरे उस कार्यक्रम की अगर बात करें तो उस पूरे कार्यक्रम सभागार में तकरीबन 1500 लोग जो है लगभग में वो वहां पे पहुंचे हुए थे। और रात में तकरीबन 12:30 बजे के बीच में ये घटना होती है जिसमें के जो मंच के ठीक पास में जो तमाम जो वीआईपी लोग वहां पे बैठे थे, वो वीआईपी लोग भी उन्हीं के ऊपर में वो मंच गिरता है और वहां पर तकरीबन 17 लोग घायल होते हैं और उन तमाम 17 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि एक महिला की मौत मौके पे ही हो जाती है जिसके भी पहचान नहीं हो पाई है, उसे मैक्स अस्पताल में पहुंचाया गया था। तो जो ज्यादा घायल हुए थे उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, एम्स ट्रॉमा सेंटर में, और बाकी जो लोग थे उन्हें आसपास के अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन निश्चित तौर पे ये बेहद दुखद घटना है और इस मामले की जो तफ्तीश के लिए कालकाजी पुलिस स्टेशन और जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस मामले के पड़ताल में जुटे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे वो मंच टूटकर नीचे गिरता है। और जिस तरह से अगर बात करें जो जागरण कार्यक्रम हो रहा था और महंत के द्वारा जो पिछले 26 साल से ये कार्यक्रम को आयोजित यहाँ पे करवाया गया था, तो इस मामले पे जो मंच बनाने वाले जो लोग हैं और जो लोग वहाँ पे कैसे वहाँ पे हद से ज्यादा जो लोग हैं वो मंच में पहुंच गए थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश कराई जाएगी। उसके बाद ही इस मामले पर औपचारिक तौर पे जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा साझा किया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में बताया गया है कई धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है जिसमें केंद्र सेक्शन 337, 304A, 188 IPC, तो इन तमाम धाराओं के तहत केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। जाहिर सी बात है लापरवाही भारी पड़ी और स्टेज जिसने भी बनाया उनके खिलाफ एक्शन लेने की सख्त जरूरत। साथ ही शंकर, अब जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कई और भी लोगों के जख्मी होने की जानकारी है क्या? 17 लोग तो जख्मी बताए जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर जो लोग थे वो भी नीचे गिरे, आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी इसकी चपेट में आए, उनकी स्थिति कैसी, क्या कोई गंभीर रूप से भी घायल है? शुक्रिया आपका शंकर जानकारी के लिए। तो आप देखें कि कई घायल हैं जिन्हें आसपास हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कालकाजी मंदिर में हादसा हुआ है, दिल्ली के कालकाजी मंदिर में पिछले कई सालों से यहाँ पर कार्यक्रम होते आ रहा है, जागरण होता आ रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे।
हालांकि तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और बात करेंगे ग्वालियर के, जहां बाल संप्रेषण गृह से नाबालिगों के फरार होने का मामला, एक आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ इंदौर में पकड़ा गया। एक नाबालिग आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। होटल पर फायरिंग के आरोप में बंद हुआ था नाबालिग। 16 जनवरी की रात होटल भदावर में की थी फायरिंग। छात्रा हत्याकांड के 3 आरोपी सहित 4 नाबालिग अभी फरार। शुक्रवार सुबह गार्ड को धक्का देकर फरार हुए थे 6 नाबालिग। तो आप ये देखिए कि एक नाबालिग आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, एक इंदौर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया और अभी 4 नाबालिग फरार हैं जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और भाग रहे थे जिस वक्त नाबालिग, उसी दौरान गार्ड ने एक नाबालिग को पकड़ लिया था और वापस ले आया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, 2 नाबालिग पकड़े गए, 4 अभी भी फरार हैं, जानकारी दें पूरी। बिल्कुल, देखिए 25 जनवरी की सुबह करीब 9:30 बजे यहाँ ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से 7 नाबालिग आरोपी जो संगीन अपराध में दर्ज बंद थे, ये फरार हुए थे। एक को तत्काल पकड़ लिया गया था। 6 जो फरार हुए थे उनमें से एक ने कल शाम ग्वालियर में अपने परिवार के साथ आकर पुलिस के साथ सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही एक और जो गंभीर अपराध का आरोपी था आर्म्स एक्ट का, वो फरार होकर ग्वालियर से एक होटल संचालक को धमकी देकर इंदौर पहुंच गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वहां इंदौर में गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल से इसे भी ग्वालियर पुलिस ने पकड़ लिया है। वहां से उसे लेकर आज ग्वालियर पहुंच रही है पुलिस। और आपको बता दें कि ये जो आरोपी है जिसे इंदौर से पकड़ा है गर्लफ्रेंड के साथ, इसने ग्वालियर में 17 जनवरी को ग्वालियर के एक होटल में फायरिंग की थी अवैध कट्टे से और धमकाया था। साथ ही कई तरह के और भी इसके खिलाफ संगीन मामले पहले से दर्ज है। चूँकि 17 साल के आसपास की इसकी उम्र है, नाबालिग की श्रेणी में आने के चलते इसे बाल संप्रेक्षण गृह में बंद किया गया था। तो निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के पास के और अपराध करने से पहले इसे दबोच लिया है। इसके साथ ही अक्षय छात्रा जो थी उसके हत्याकांड के 3 आरोपी अभी भी फरार है। उन आरोपियों से जो अक्षय कांड की मुख्य गवाह है उसको भी कहीं ना कहीं धमकियाँ मिली थी, तो पुलिस ने उसके परिवार की भी सुरक्षा बढ़ा दी। तो अभी कुल 4 आरोपी और इस मामले के फरार है जो नाबालिग बच्चे फरार हुए थे उनमें, तो इनकी तलाश में मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही। क्योंकि भले ही ये नाबालिग है 16-17 साल की उम्र के, लेकिन इनके खिलाफ संगीन अपराध है जिसमें हत्या के अपराध है, फायरिंग के अपराध है, इसके अलावा दुष्कर्म के अपराध भी है। तो निश्चित तौर पर पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही अन्य जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो जो अन्य आरोपी उन्हें भी जल्द ही पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। अगली खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में रोजगार बढ़ाने की तैयारी में मोहन सरकार। 1 और 2 मार्च को जैन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है। व्यापार मेले का भी होगा आयोजन। इन्वेस्टर समिट में पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप पर फोकस किया जाएगा। तो भोपाल में 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। मुरैना में होगा राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होने वाले हैं। 2 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ने की तैयारी की जाएगी। अनूपपुर, बड़वानी, दमोह, छतरपुर के हितग्राहियों से संवाद होगा। सभी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस मनाया जाएगा। युवा विभिन्न आयोजनों योजनाओं के बारे में जानकारी भी ले सकेंगे और इसका लाभ भी ले पाएंगे। और सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है जिला स्तरीय, और दिखाई जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना, योजनाओं की जानकारी देना और उसका लाभ कैसे मिल पाए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोजगार मेला। निश्चित तौर पर देखिए 31 तारीख को रोजगार मेले का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो मुरैना में होगा, जहां पर खुद डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। और इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों में भी जो रोजगार दिवस है वो मनाया जाएगा। इसका सीधा सा एक उद्देश्य है कि लगातार मध्य प्रदेश के जो युवा है उनको अलग अलग तरीके से रोजगार में जोड़ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो। और इस सबके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और
इस दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जाता है। जो 31 तारीख को कार्यक्रम होना है उसमें भी सरकार का ये उद्देश्य है कि करीब 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर स्वरोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जब स्वरोजगार होता है, स्वरोजगार का सृजन होता है तो ना सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है बल्कि उसके साथ कई और लोगों को जो रोजगार मिलने का काम है वो संभव हो पाता है। और चाहे बीजेपी के मैनिफेस्टो, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि रोजगार मेले का जो आयोजन होने जा रहा है वो युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी साबित होगा। अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे बिहार की सियासत की। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है, राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा। राजभवन में राज्यपाल से होगी मुलाकात, नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार में लगातार सियासत बदल रही है और नीतीश कुमार जो कि लगातार बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरते हैं, वो एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। चारों तरफ उन पर निगाहें टिकी हुई हैं और इस्तीफा दे सकते हैं और आज ही वे दोबारा शपथ ग्रहण भी कर लेंगे सीएम पद की। तो ऐसी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, जहां पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। तो पटना पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, दिल्ली से विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे पटना। दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे पटना, शाम 7:30 बजे दिल्ली वापस लौट आएंगे। अब जब जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत में जो उलटफेर होने जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं पटना। और आज नीतीश कुमार, जैसे कि राज्यपाल से उन्होंने वक्त मांगा है, और शाम 7:30 बजे तक जेपी नड्डा वापस भी लौट आएंगे, यानी कि पूरा दिन आज पटना में रहने वाले हैं। तो दिल्ली से विशेष चार्टर प्लेन से पहुंचेंगे पटना जेपी नड्डा, और दोपहर 3 बजे पटना पहुंचकर तमाम जो उनकी बैठक होंगी इसमें शामिल होंगे और उसके बाद 7:30 बजे वे दिल्ली वापस लौट आएंगे। तो बिहार में हलचल, नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी उलटफेर करते हुए। अब देखना यह है कि जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ा था एक बार फिर से उसी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये शपथ बीजेपी के साथ मिलकर अब लेने वाले हैं और इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम होने का भी जानकारी मिल रही है। और तमाम जो एक प्लान है, पूरा दिन का कार्यक्रम है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार का पूरा दिन आज होने वाला है। और अब हम आपको एक साथ 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने कब कब सीएम पद की शपथ ली, आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखिए, मार्च 2000 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, अगस्त 2022 और अब आज जनवरी 2024। हो सकता है ये भी आज का दिन दर्ज हो जाएगा उनके शपथ ग्रहण समारोह की लिस्ट में। और सीधे रुख करेंगे पटना से, संवाददाता संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय, आज का बहुत ही बड़ा दिन, चूंकि अब बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सियासत में हलचल मची हुई है और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण एक बार फिर से आज वो करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम है दिल्ली से पटना आने का? संजय, सियासत का सुपर संडे है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, जो राजनीतिक हलचल बिहार में चल रही है। जहां तक आपने जेपी नड्डा की बात की तो 1:45 पर बताया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे पटना, उसके बाद सीधे आएंगे शपथ ग्रहण समारोह जिसकी बात कही जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और उनके साथ चिराग पासवान भी होंगे। चूँकि चिराग पासवान को लेकर ये बताया जा रहा था कि उनका एक कंसर्न था, ग्रीवांसेस था, उसको पूरा किया गया है और एनडीए की तरफ से कोशिश है ये बताने की कि ऑल इज वेल है, यानी जितनी एलाइज पार्टियां हैं, अगर वो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो जो एलाइज पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो,
उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी, वो सभी इंटैक्ट है, ऑल इज़ वेल है, और यही मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि चिराग पासवान के उनके साथ आने की बात कही जा रही है। अभी से थोड़ी देर पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गई है। 10 बजे का वो वक्त होगा जब सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है जदयू विधानमंडल दल की। थोड़ी तस्वीर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए हलचल जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ बुलाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। सीएम आवास के बाहर भी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। काफ़ी संख्या में जो सिक्योरिटी के जुड़े लोग हैं वो पेपर्स के साथ खड़े होंगे, यानी किन किन लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाना है इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको अंदर अनुमति दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि इसी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कन्विंस करेंगे कि वो किन परिस्थितियों में फिर से भाजपा के साथ बिहार में सत्ता बनाने जा रहे हैं, वो इस्तीफा देंगे। और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि एनडीए जो है भाजपा जो अपना समर्थन पत्र सौंपेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसके लिए उन्होंने राजभवन से वक्त भी मांगा है। वो इस्तीफा सौंपने के बाद जब समर्थन पत्र सौंपा जाएगा इसकी जानकारी वो राजभवन को देंगे, और फिर आज ही दोपहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर, नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी बिहार में आज सत्ता का बदलाव हो रहा है और महागठबंधन की जगह आज एनडीए सत्ता में आ सकती है बिहार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी होगी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, ये जो तीन पार्टियां कंफर्ट जोन में है एनडीए, चूंकि 45 विधायक जो है वो जदयू के साथ हैं, 78 बीजेपी के साथ हैं, तो 4 जीतन राम मांझी के पास हैं, तो कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पास है। और इस स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि बिहार के, बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, आंकड़े समझाने के लिए। अब अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे भिलाई की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें गालियां दी जाती हैं, साथ ही ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों के खिलाफ रोक लगाने की मांग की है और इसके लिए कानून बनाने की भी अपील की गई है। इन महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को दी जाने वाली गालियों पर रोक लगाने से उनका सम्मान बढ़ेगा और तभी राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं हाथियों के उपद्रव की। जी हां, पिंडरा में हाथियों ने दो घरों को तोड़ा, हाथियों के दल ने दो घरों को तोड़ दिया, खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। वन विभाग ने जारी की चेतावनी, हाथियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, यानी कि आप हाथियों से दूर रहें लेकिन हाथी जरूर आपके घर तक आएंगे और आपके घरों को तहस नहस करके चले जाएंगे। अब जानकारी ये है, बात यहां पर आके रुकती है कि इंसान तो हाथियों से दूर रह ले, लेकिन जब हाथी उनके घर पर आ जाए तब इंसान कहां जाए। वन विभाग की लापरवाही कहेंगे से और वन विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया कि लगातार हाथियों की दस्तक ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, लेकिन अभी तक सालों साल हो गए हाथियों को यहां से दूर नहीं ले जा सका वन विभाग, अलर्ट जारी जरूर करता है। अंबिकापुर के उमरेश्वरपुर में गांव में भालू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। भालू के हमले में सदन सिंह नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जंगल में लकड़ी लेने गया था और इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया। और अब बात ग्वालियर की, जहां एएसआई के बेटे की शादी में ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। शिवपुरी पिछोर में पदस्थ एएसआई की बेटी की शादी में एक नाबालिग और एक बालिग चोर आते हैं और 1 लाख नगद के साथ ही 2.5 तोला सोना पार कर देते हैं। जी हां, सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि नाबालिग चोर जेवरात से भरे बैग लेकर फरार हुआ है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या की कोशिश की, उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई बार किए और गोली भी मारी गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस मामले में घायल युवक ने 4 लोगों के खिलाफ शास्त्री पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान इनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इस दौरान समीर अहमद ने बिलाल की पिटाई कर दी, जिसके बाद बिलाल ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। घायल समीर अहमद को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है।
और अब खबर अयोध्या से। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं और अब आसानी से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ठंडे के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें। दिल्ली के कालका